एक दिन की बात है, उस दिन अमावस्या की काली घनी रात थी और उस रात बहुत तेज हवाएं चल रही थी। उस रात मीरा अपने दोस्त के जन्मदिन से जंगल के रास्ते से घर वापस लौट रही थी कि तभी उसे अचानक से किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। वो अपने आसपास देखती है लेकिन उसे वहां कुछ भी दिखाई नहीं देता, जिससे वो काफी डर जाती है। जिसके बाद वो फिर से चलने लगती है कि तभी उसे और तेज तेज रोने की आवाज आने लगती है। मीरा एक बार फिर से अपने आसपास देखती है और उसे पता चलता है कि एक आवाज पेड़ के पीछे से आ रही है, जिसके बाद वो उस पेड़ के पास जाती है और कहती है, कौन हो तुम और यहाँ इतनी रात को क्यों रो रही हो? तभी चुड़ैल पलट कर मीरा को देखती है। उसे देखकर मीरा बहुत ही ज्यादा डर जाती है और डरते हुए बोलती है, तुम मुझे माफ कर दो। तभी मीरा देखती है कि उस चुड़ैल की आंखों से आंसू की बजाय खून बह रहा है और तभी आसमान में तेज तेज बिजली कड़कने लगती है और बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। वो बारिश कोई साधारण बारिश नहीं बल्कि खूनी बारिश थी, जिससे कि वहां बाढ़ आ जाती है और उसी बाढ़ में डूबकर मीरा मर जाती है। जैसी सुबह होती है बाढ़ खत्म हो जाती है, जिसके बाद गांव वालों को मीरा की लाश मिलती है। उसके चारों तरफ लोग खड़े होते हैं और बातें कर रहे होते हैं कि तभी वहां सरपंच आ जाता है और बोलता है, अभी कुछ दिन पहले ठीक इसी तरह से मीरा की माँ की मौत हुई थी। हमारे गांव की हालत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। कल रात भी चुड़ैल के आंसू की खूनी बारिश हुई, जिसकी वजह से मीरा मारी गई। अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन हमारे गांव में एक भी इंसान नहीं बचेगा। सरपंच की बात सुनकर रजत सरपंच से बोलता है, सरपंच जी आप कह तो सही रहे हैं, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? आसमान से हो रही खूनी बारिश को भला हम कैसे रोक सकते हैं? गांव का सरपंच और रजत बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहां पर एक बूढ़ी औरत आती है और उससे कहती है, सुनो सरपंच, चुड़ैल के आंसू की खूनी बारिश को रोकने का एक उपाय है, जिसके लिए तुम में से किसी एक को उस खूंखार जंगली जानवरों के जंगल में जाना होगा। वहां तुम्हें एक अघोरी बाबा मिलेंगे, तुम उन्हें अपनी सारी बात बताना, वो तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। उस बूढ़ी औरत की बात सुनकर सरपंच और रजत बहुत खुश हो जाते हैं, जिसके बाद सरपंच फैसला करता है कि वो खुद जंगल में जाएगा और अघोरी बाबा को अपने गांव में लेकर आएगा। जिसके बाद सरपंच जंगल में चला जाता है और वहां पहुंचकर देखता है कि एक पेड़ के नीचे अघोरी बाबा बैठे हैं, जिसे देखकर वो उनके पास जाता है और बोलता है, नमस्ते बाबा। नमस्ते बेटा, कौन हो तुम और यहां इस जंगल में क्या कर रहे हो? बाबा, मैं पास के ही गांव में रहता हूं और आपसे मदद मांगने के लिए आया हूं। कैसी मदद बेटा, क्या हुआ बताओ मुझे। इसके बाद सरपंच बाबा को सारी बातें बताता है। बाबा, मेरे गांव में हर अमावस्या की रात को चुड़ैल के आंसू की खूनी बारिश होती है, जिसकी वजह से गांव में बाढ़ आ जाती है और बाढ़ की वजह से कई लोगों की मौत हो गई है। हालत ऐसे है बाबा कि गांव में गिने चुने लोग ही बचे हैं, कृपया करके हमारी मदद करिए। बेटा तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर से अमावस्या की रात आ जाती है। उस रात फिर से वो चुड़ैल रोने लगती है कि तभी वहां पर अघोरी बाबा आते हैं और उस पर अभिमंत्रित भभूति फेंक देते हैं और उससे पूछते हैं, क्यों तो इस गांव में खून की बारिश क्यों कर रही है? क्यों इंसानों को मार रही है? जल्दी बता मुझे। नहीं बताऊंगी, कभी नहीं। मैं इस पूरे गांव को शमशान बनाकर ही शांति लूंगी। और अघोरी, तूने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है, अब तू भी इनके साथ मरेगा। तू मुझे मारेगी? शायद तुझे पता नहीं कि मैंने तुझ जैसी कितनी चुड़ैलों को जलाकर भस्म कर दिया है। रुक, तुझे अभी बताता हूँ। जिसके बाद बाबा मंत्र पढ़ने लगते हैं। ओम ईं क्लीं क्लीं चामुंडाय विच्यै नमः। ओम ईं क्लीं क्लीं चामुंडाय विच्यै।
नमः। और मंत्र पढ़कर उस चुड़ैल के ऊपर पवित्र गंगा जल छिड़क देते हैं, जिससे वो चुड़ैल झुलस जाती है और दर्द से करहाने लगती है। तभी चुड़ैल बोलती है, रुका घोरी, मैं तुझे सब बताती हूँ। मेरा नाम राधा है, मेरी शादी इसी गांव में हुई थी। शादी के कुछ दिनों बाद ही मेरे पति मोहन को काम के सिलसिले में शहर जाना पड़ गया। मैं अपनी सास और नंद के साथ ही यहाँ रहा करती थी। एक दिन की बात है, उसकी सास उसके पास आकर कहती है, सुन बहू, घर में पैसों की कुछ तंगी चल रही है, तो तू अपने बाप के घर से कुछ पैसे मांग कर ले आ। माँ जी, मैं अपने पिताजी से पैसे नहीं मांग सकती। क्यों क्यों नहीं मांग सकती? एक तो तेरे बाप ने दहेज में कुछ दिया नहीं, ऊपर से तुझे खाली हाथ एक ही जोड़े में विदा कर दिया। मेरे तो कर्म ही फूट गए थे जो मैंने अपने बेटे का रिश्ता ऐसे गरीब घर में जोड़ दिया। अब तू चुपचाप से कल ही अपने बाप के घर जा और वहां से पैसे लेकर आ। नहीं माँ जी, मैं नहीं जाऊंगी। अच्छा, अब तो मुझसे जुबान लड़ाएगी, तेरी इतनी हिम्मत? रुक, मैं तुझे अभी सबक सिखाती हूँ। जिसके बाद राधा की सास उसे बहुत मारती पीटती है और उसे कमरे में ले जाकर बंद कर देती है और अपनी बेटी मीरा को आवाज देती है, मीरा, ओ मीरा, कहाँ रह गई? जल्दी धरा। अभी आई माँ। हाँ माँ, बोलो, क्या हुआ? देख मीरा, मैंने राधा को इस कमरे में बंद कर दिया है। आज के बाद से ना तू इसे कुछ खाने को देगी और ना ही पीने को। समझ में आ गई तुझे मेरी बात? ठीक है माँ, मैं समझ गई। ऐसे ही वक्त बीतता है और राधा को भूखे प्यासे उस कमरे में बंद हुए 3 से 4 दिन गुजर जाते हैं। कमरे में रोते रोते राधा की हालत बहुत खराब हो जाती है। तभी एक दिन राधा रोते रोते कमरे का दरवाजा पीटते हुए बोलती है, माँ जी, भगवान के लिए मुझे इस कमरे से बाहर निकाल दो। वो अपनी सास के सामने बहुत रोती है, गिड़गिड़ाती है कि वो उसे कमरे से बाहर निकाल दे, लेकिन सास को उस पर जरा सा भी रहम नहीं आता। और फिर एक दिन रोते रोते वो मर जाती है। जब ये बात उसकी सास को पता चलती है तो वो अपनी बेटी मीरा के साथ मिलकर उसे एक बोरे में बांध कर पास वाले ही तालाब में जाकर फेंक देती है। और तभी से मेरी आत्मा भटक रही है। अब जब तक मैं इस पूरे गांव में ऐसे लोगों को मारकर खत्म ना कर दूं जो अपनी बहुओं पर अत्याचार करते हों, मुझे शांति नहीं मिलेगी। देख चुड़ैल, तेरे साथ तेरी सास और तेरी ननद ने गलत किया है और तूने उन्हें मारकर अपना बदला पूरा कर लिया। अब तू इन गांव वालों को नहीं मार सकती, तू इन्हें छोड़कर यहाँ से चली जा। नहीं, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। जब तक मैं ऐसे और लोगों को ना मार दूं, तब तक यहाँ से नहीं जाऊंगी। ये देखकर अघोरी बाबा को बहुत ही गुस्सा आता है, जिसके बाद वो शिव जी का त्रिशूल उठाते हैं और उस चुड़ैल के शरीर के आर पार कर देते हैं, जिसके बाद वो चुड़ैल वहीं जलकर भस्म हो जाती है और गांव को उस चुड़ैल और खूनी बारिश से मुक्ति मिल जाती है।